तो लास्ट ईयर की फाइनलिस्ट दो टीमों के बीच आज हो जाए कंपैरिजन। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे हम गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बारे में कि आखिर 2022 में तो गुजरात ने बाजी मार ली, क्या 2023 में कमबैक करेगी राजस्थान की टीम और पछाड़ेगी गुजरात को। दोनों टीमों की बात करेंगे, कौन सी टीम का स्क्वाड अच्छा लग रहा है, कौन सी टीम का पलड़ा ज्यादा भारी है, कौन सी टीम के बल्लेबाज अच्छे हैं, कौन सी टीम का मिडिल ऑर्डर अच्छा है, कौन सी टीम की बॉलिंग अच्छी है, और जाते जाते कंपैरिजन करेंगे कौन सी टीम की ऑल ओवर प्लेइंग 11 बेहतर है। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, वीडियो के साथ अंत तक जरूर से जुड़े रहिएगा। अंत में आकर अगर वीडियो पसंद आती है तो फिर दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं गुजरात टाइटंस का कैसा रहा ऑक्शन। इनको खरीदने थे काफी सारे प्लेयर, इनके पास पर्स भी अच्छा खासा था। उन्होंने पूरे कंप्लीट प्लेयर यानी कि 25 के 25 प्लेयरों को फिल किया है, 8 प्रॉपर ओवरसीज फिल किए हैं, उसके बाद भी इनके पास 4.5 करोड़ के लगभग पर्स लेफ्ट रह गया था। वहीं बात करें राजस्थान की, राजस्थान को भी कई सारे प्लेयर भरने थे, उनके साथ ही इनको कई सारे ओवरसीज भी भरने थे। इन्होंने भी कंप्लीट ओवरसीज कंप्लीट प्लेयर फिल किए हैं, उसके बाद भी इनके पास 3.5 करोड़ के लगभग पर्स बच गया है। तो दोनों टीमों के ऑक्शन स्ट्रेटजीज को देखें तो दोनों टीमों के लिए काम आई हैं, और गुजरात टाइटंस की बात करें तो उन्होंने जिस प्लेयर पर भी बिड की वो सारे प्लेयर गुजरात टाइटंस की टीम ले गई। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, दोनों टीमों का कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले बल्लेबाजों की बात कर लेते हैं, राजस्थान के बल्लेबाजों की बात कर लेते हैं पहले। तो राजस्थान के पास बल्लेबाज हैं यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पाटीकल, सिमरन हेटमायर, जो रूट। तो इस साल जो रूट को भी आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, वो भी आपको आईपीएल खेलते हुए दिखने वाले हैं। इसके बाद बात करें अगर हम गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजों की, तो उनके पास हैं दोस्तों शुभमन गिल, उसके साथ हैं साई सुदर्शन, अभिनव मनोहर सदरंगानी, डेविड मिलर, केन विलियमसन। केन विलियमसन को इन्होंने खरीद लिया, मतलब जो रूट एक टीम में, केन विलियमसन एक टीम में, तो फैब 4 में से आपको फैब 3 तो इस आईपीएल में दिखने वाले हैं। स्टीम स्मिथ में अपना नाम दिया नहीं था, तो अगर दिया होता तो शायद वो गुजरात या फिर राजस्थान की टीम में होते। इसके बाद बात करते हैं आइए विकेटकीपर बैट्समैन की, राजस्थान रॉयल्स के। तो राजस्थान रॉयल्स के पास विकेटकीपर बैट्समैन पर हैं संजू सैमसंग, जॉस बटलर, ध्रुव जुराल और डोनोवान फेरियरिया, अगर सही प्रोनाउंस किया है तो। उसके बाद है इनके पास कुणाल सिंह राठौर, जो कि इन्होंने इसी ऑक्शन में खरीदे हैं। तो अगर बात करें यहाँ पर गुजरात की, गुजरात के पास हैं मैथ्यू वेड, रिधिमान शाह, उर्विल पटेल, श्रीकर भरत। अगर दोनों ही टीमों के अगर हम बल्लेबाज की बात करें तो यहाँ पर दोनों टीमों का इक्वल ही बल्लेबाजी क्रम सेटिस्फाई करता है, मतलब कोई भी टीम बल्लेबाजी क्रम में आगे नहीं है। विकेटकीपर बैट्समैन में बात करें तो यहाँ पर पलड़ा राजस्थान रॉयल्स की टीम का झुका है, क्योंकि उनके पास है संजू सैमसंग, जॉस बटलर और कई सारे धांसू प्लेयर। इसके बाद बात करेंगे हम बॉलर्स की बात सबसे पहले हम कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स की। तो राजस्थान रॉयल्स के पास हैं कुलदीप यादव, नवदीप सैनी, कुलदीप सैन, ओबेड मकॉय, केसी करियप्पा, युजवेंद्र चहल, प्रसिद्ध कृष्णा, ट्रेंट बोल्ट, एडम जैम्पा, केएम आसिफ और मुर्गन अश्विन। वहीं अगर बात करें हम गुजरात की, गुजरात की बॉलिंग भी दुरुस्त नजर आ रही है और वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलिंग यूनिट नजर आ रही है इस साल। इनके पास हैं दोस्तों राशिद खान, दर्शन नालकंडे, यश दयाल, दीप शांगवान, अलजारी जोसफ, रवि श्रीनिवासन, साई किशोर, नूर अहमद, मोहम्मद शमी, शिवम मावी, जोशुआ लिटल और मोहित शर्मा। मतलब बॉलर्स इनके पास भर भर के हैं, टोटल 11 बॉलर्स इस टीम के पास हैं। इसके बाद दोस्तों अगर बॉलर्स की बात करें तो बॉलर्स का तो सीधी सी बात है, बॉलर्स का पलड़ा यहां पर गुजरात की टीम का झुका हुआ है। अब बात करते हैं आइए ऑलराउंडर्स की, तो गुजरात से शुरुआत कर लेते हैं। गुजरात के पास है हार्दिक पांड्या, विजय शंकर, जयंत यादव, राहुल तेवतिया और ओबेड मकॉय, मतलब इनके पास ऑलराउंडर कमाल के हैं। वहीं अगर बात करें हम राजस्थान रॉयल्स की, राजस्थान रॉयल्स के पास भी अच्छे खासे ऑलराउंडर हैं और इस सीजन तो उन्होंने ऑलराउंडर क्रम को काफी ज्यादा मजबूत कर लिया है, जो कि इनके लिए लास्ट ईयर सबसे कमजोर कड़ी थी। इनके पास है यहां पर रियान पराग, रविचंद्र अश्विन, जेसन होल्डर, आकाश वशिष्ठ और इनके पास है अब्दुल वसीम। तो ये इनके ऑलराउंडर क्रम है। ऑलराउंडर क्रम की बात करें तो यहां पर भी पलड़ा गुजरात टाइटंस का झुका हुआ है, क्योंकि इनके पास हार्दिक पांड्या है। तो यही बहुत बड़ी बात है दोनों ही टीमों के कंपैरिजन करें, और यही इनका लास्ट ईयर का डिफरेंस था दोनों ही टीमों के बीच। अब बात करते हैं दोनों टीमों की क्या रह सकती है प्लेइंग 11। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम गुजरात टाइटंस की। तो गुजरात के लिए ओपन करते हुए देखेंगे आपको शुभमन गिल, उनके साथ होंगे श्रीकर भरत, यहाँ पर रिधिमान शाह भी ओपन कर सकते हैं। वहीं बात करें हम राजस्थान रॉयल्स की, तो उनके लिए ओपन करते हुए देखेंगे जॉस बटलर,
और उनके साथ यशस्वी जायसवाल। तो यहाँ पर अगर हम ऑन ऑन कंपैरिजन करें दोनों ही टीमों का, तो यहाँ पर पलड़ा जो है राजस्थान रॉयल्स की टीम का भारी लगता है। वहीं बात करें मिडल ऑर्डर की, तो नंबर 3 पर गुजरात के लिए खेलते हुए नजर आएंगे केन विलियमसन, नंबर 4 पर आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे यहाँ पर हार्दिक पांड्या। वहीं बात करें अगर हम जो है राजस्थान रॉयल्स की, उनके लिए नंबर 3 पर खेलेंगे संजू सैमसन और नंबर 4 पर आपको खेलते हुए दिख जाएंगे देवदत्त पाडिकल। यहाँ पर लिटिल बिट रुझान जो है गुजरात टाइटंस की तरफ ज्यादा जाता है, क्योंकि उनके पास काफी अच्छा मिडल ऑर्डर नजर आता है। फायर पावर में इनके पास हार्दिक पांड्या है, नंबर 3 पर एक केन विलियमसन के तौर पर सदा हुआ बल्लेबाज है। वहीं संजू सैमसन देवदत्त पाडिकल, थोड़ा सा रुझान जो है गुजरात टाइटंस की तरफ दिखता है। आप बताइए आपको मिडिल ऑर्डर कौन सी टीम का बेहतर लग रहा है। तो अगर हम लोअर ऑर्डर फिनिशर्स की बात करें गुजरात टाइटंस की, तो गुजरात टाइटंस के लिए आपको देखेंगे डेविड मिलर, उनके बाद देखेंगे अभिनव मनोहर सदरंगानी, उनके साथ देखेंगे राहुल टेवतिया। तो ये इनका कुछ लोअर फिनिशर के रोल पे दिखने वाले हैं ये प्लेयर। उसके बाद बात करें अगर हम राजस्थान रॉयल्स की, राजस्थान रॉयल्स के लिए आपको दिखाई देंगे रियान पराग, शिमरन हेटमायर और वहां पर दिखाई देंगे जेसन होल्डर। दोनों टीमों को अगर कंपैरिजन करें तो यहां पर पलड़ा में भी राजस्थान रॉयल्स का बेटर है, क्योंकि इनके पास जेसन होल्डर भी है, शिमरन हेटमायर भी है और रियान पराग अच्छी फॉर्म कैरी करके आ रहे हैं। वहीं सामने की टीम से बात करें तो राहुल टेवतिया है, अभिनव मनोहर सदरंगानी है, डेविड मिलर है। डेविड मिलर एक बड़ा नाम है, लेकिन यहां पर 3-3 क्वालिटी प्लेयर आपको दिखने वाले हैं। तो यहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम को एक पॉइंट मिलता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं बॉलर्स की, तो बॉलर्स गुजरात के पास हैं राशिद खान, उनके साथ होंगे 3 फास्ट बॉलर जो कि होंगे मोहम्मद शमी, उनके साथ होंगे शिवम मावी, उनके साथ होंगे जोशुआ लिटिल। ये आपको बॉलिंग क्रम दिखेगा यहां पर गुजरात की टीम का। शिवम मावी / यश दयाल भी हो सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा इंजरी से कम बैक करेंगे। तो इसके बाद अगर हम बात करें वहीं पर सामने वाली टीम यानी कि राजस्थान की, राजस्थान के लिए बॉलिंग ऑर्डर आपको दिखेगा रविचंद्र अश्विन जो कि बैटिंग कर लेते हैं, वहां पर राशिद खान बैटिंग कर लेते हैं और उनके साथ हैं यहाँ पर युजवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट और प्रसिद्ध कृष्णा। वहीं अगर बॉलिंग की ऑन दोनों टीमों को कंपैरिजन करें तो यहाँ पर पलड़ा जो है फिर से भारी रहता है गुजरात टाइटंस की टीम का, या फिर आप कह सकते हैं इक्वली सेटिस्फाई करता है दोनों ही टीमों को, क्योंकि राशिद वर्सेज यूजी, रविचंद्र अश्विन वर्सेज आप कह सकते हैं शिवम मावी, प्रसिद्ध कृष्णा वर्सेज मोहम्मद शमी और ट्रेंट बोल्ट वर्सेज आप कह सकते हैं यहाँ पर जोशुआ लिटिल। तो आप बताइए कौन सी टीम का पलड़ा ज्यादा भारी लगता है। अभी तक हमने चारों स्पॉट को अगर कंपैरिजन किया है तो यहाँ पर गुजरात के पास पॉइंट बनते हैं 2, वहीं बात करें राजस्थान की, राजस्थान के पास भी पॉइंट बनते हैं 2। तो आप बताइए अब कौन सी टीम ज्यादा बेहतर लग रही। तो अगर ओवरऑल प्लेयर्स की क्वालिटी को अगर हम कंपैरिजन करें तो दोनों ही टीम इक्वली ही सेटिस्फाई करती हैं दूसरे को। आप बताइए आपको कौन सी टीम ज्यादा बेहतर लग रही है, कौन सी टीम के पास फायर पावर ज्यादा है, कौन सी टीम के पास बॉलिंग ज्यादा है, तो आप बताइए आपकी राय क्या है। तो बस यही था आज की छोटी सी वीडियो में, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपको कौन सी टीम का कंपैरिजन वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके कमेंट पर मैं जरूर से वीडियो बनाऊंगा और जिस टॉपिक पर आप कहेंगे उस टॉपिक पर आपको वीडियो जरूर से मिलेगी।